वो रहने देते। कितने कितने इंटरवल में होता है इसका सर्विस? वो याद नहीं है। हे गाइस, वेलकम बैक टू व्लॉग। तो कुछ दिन पहले मैंने आपके साथ एक रिव्यू शेयर किया था नेक्सॉन ईवी मैक्स के बारे में, तो आज उसका ओनरशिप रिव्यू करने वाले हैं। तो ये हमारे साथ देख सकते हो नेक्सॉन। सबसे पहले तो मैं इसको दिखा देता हूँ कि कितनी चल चुकी है, क्योंकि जो ओनर है उसको बहुत ज़्यादा चला चुके हैं। देख सकते हैं यहाँ पे ओडोमीटर में दिख रहा होगा आपको, ये चल चुकी है 16,500 और इसको अभी पूरे 5 महीने भी नहीं हुए हैं। तो उस हिसाब से मैं आपको एक शेयर करने वाला हूँ रिव्यू, क्योंकि अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया है ओनर को इस गाड़ी का। तो मिलिए हमारे गिरीश भैया से। नमस्कार। तो इनसे आप अगर पहले भी मेरे फॉलो करते होंगे मेरे को पहले भी, तो इनका एक और वीडियो मैं शेयर कर चुका हूँ जो इन्होंने लिया था ओला का S1 Pro। तो अगर नहीं किया तो जाके वो वीडियो भी देख सकते हैं। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। नमस्कार, बिल्कुल, थैंक यू सो मच। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ईवी से आपको इतना क्या प्यार है कि आपने ओला भी ले लिया और नेक्सॉन भी ले लिया अभी? एक्चुअल में मेरी गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा चलती है, मतलब मैं कहीं भी जाता हूँ तो कार ही ले जाता था अगर सेफ्टी पर्पज से, क्योंकि अपने यहाँ का ट्रैफिक थोड़ा अच्छे से नहीं है, मतलब अच्छा नहीं है, एक्सीडेंट कभी भी हो सकता है। दूसरी चीज़, ईवी का क्या शौक है ये बता देता हूँ मैं। पहला मैंने सोचा 1 लाख लगा के, 1 लाख के राउंड लगा के हम ओला S1 Pro ले लेते हैं और उससे एक आइडिया हो जाएगा कि हमको ईवी कार पे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो S1 का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा, मैंने उसको एक्सट्रीम टेस्ट किया, 1500 किलोमीटर चलाया उसको विद इन 7 डेज और कोई भी दिक्कत नहीं हुई। तो मेरे को लगा भाई कार भी ईवी का लेना चाहिए, क्योंकि खर्चा कम था और मज़ा फुल था। सही बात है, मैंने भी इसको भी उस वाले रिव्यू में चला के देखा है, तो मेरे को भी बहुत बेहतरीन लगी गाड़ी चलाने में, तो मक्खन मज़ा आती, खींचती भी है एकदम, स्पोर्टीनेस बहुत ज़्यादा है। एक सवाल है, इसके पहले आप कौन सी कार यूज़ करते थे? मैं स्विफ्ट चला रहा था लगभग 2014 से। पेट्रोल? पेट्रोल, अच्छा, EXI, और उसको 1,20,000 किलोमीटर चलाया। अरे रे, ड्राइविंग का तो शौक नहीं बोला जाए, एक जगह से दूसरी जगह जाने में मजा आता है, ट्रैवल करने में, और ये सारे सनसेट जो हम देख रहे हैं ना, देखो ये सब हाईवे पे देखो ना म्यूजिक के साथ, तो अलग ही मजा है। तो उस चक्कर में 1,20,000 चल गई थी। फिर मैंने XUV700 बुक किया था, हाँ जी, क्योंकि वो आई थी एडास वेडास का फीचर आया था, हाँ। तो ऐसा लगा भाई दम है गाड़ी में, पैसा वसूल है। लेकिन जानते हो महिंद्रा का 1 साल में देती है, 2 साल में देती है, हाँ, सही तो ज्यादा पैसा दे दे तो बीच से उसको भी दे दिया, ऐसा हमारे साथ भी हुआ। फिर मैंने Scorpio N बुक किया, सोचा कम बजट में वही पैकेज मिल रहा है, वही कम्फर्ट। लेकिन जब से इस गाड़ी को चलाया ना पहली बार, तो लगा भाई इसमें दम है, क्योंकि मुझे पर्सनली पोलो पसंद थी और ये उसके आसपास मतलब उससे बेटर ही है। हाँ सही बात है, अब जैसे कि इनका घूमना इतना ज़्यादा है तो उस हिसाब से इनके लिए ईवी मैक्स भी बहुत बढ़िया पैकेज है। तो जैसे कि अभी आप इसको 16,000 कुछ समथिंग चला चुके हैं, तो कितने महीने हो गए इसको लिए हुए? 5 महीने के आसपास हो रहा है, 14 तारीख को हो जाएगा 5 महीने, पूरे 5 महीने भी अभी नहीं हुए हैं पूरे। उसके बाद भी मतलब ऐसा कहाँ घूम दिए भाई, मतलब कि 16,000 चला दिया 5 महीने के अंदर। क्या इसमें कॉस्ट बहुत कम आता है और घूमने का शौक तो हमको है ही, दूसरी जगह नई जगह जाने का। हाँ हाँ। तो हम एक बार गए थे हैदराबाद, अरिजीत सिंह के कॉन्सर्ट गए थे, उसका भी मेरे चैनल पे व्लॉग आएगा, अभी एडिट नहीं हुआ है। वहाँ गए थे, फिर जगदलपुर जो है मेरा काफी आना जाना होता है। हाँ हाँ। तो मैक्स का रेंज पूरा जगदलपुर तक मुझे बिना एसी के पहुँचा देता है, तो मैं लगभग 100-150 रुपये में जगदलपुर पहुँच जाता हूँ, टोल का एक्स्ट्रा है। फिर विशाखापट्टनम अपने फैमिली फ्रेंड मतलब फैमिली ट्रिप पे गए थे और न्यू ईयर का समय था, तो मजा आता है चलाने में, ऑटोमेटिक है, खर्चा नहीं होता, इसलिए बस चलते ही जा रही है, पता नहीं क्या होगा 1 साल बाद, मतलब कितना चला लूंगा मुझे खुद नहीं पता, देखना ही नहीं है, बस चार्ज करो और घूमते रहो, बस घूमते रहो। सही है। मैं ये बोलता हूँ, जैसे अब मेन क्वेश्चन पे आते हैं, अगर ईवी कोई लेना चाहता है तो उनका सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि रेंज कितनी दे देती है, ठीक है? तो जैसे ये ईवी मैक्स है, कंपनी क्लेम करती है 450 के आसपास, अभी 437 क्लेम करती है, तो आपको ये प्रैक्टिकल कितनी दे देती है ऑन, मतलब अगर खुद चलाओगे तो? देखिए शुरू में मैं डर डर के चलाता था, पहली बार गया तो मैंने 300 जाने वाला था, 150 में ब्रेक ले लिया, नाइट हॉल्ट कहीं पे चार्ज कर लिया, रात का समय था, कहीं कहां जाने वाले थे एक बार रेफरेंस के लिए? जगदलपुर ही जाने वाला था, नागपुर से 300 किलोमीटर था, ठीक है ठीक है। नाइट हो रहा मतलब नाइट का समय था, तो मैं बोला फंसूंगा तो क्या होगा, तो मैंने दोस्त के यहाँ थोड़ा सा हेल्प ले लिया, चार्ज कर लिया वहाँ पे। लेकिन वापसी में मैंने सोचा कि एक बार पे जाके देखते हैं, और हम पहुँच गए एक बार में और लगभग 10% बैटरी बची हुई थी पहुँचते तक के, तो मेरे को लगा 300 तो चल रही है, तो मैं यही बोलूंगा कि 300 से 350 रेंज देगी, टेरेन पे डिपेंड करेगा कितना चढ़ान है, कितना ढलाव है, मतलब अगर पहाड़ी एरिया है तो कम हो सकता है। हाँ, और ये मैं विदाउट एसी चला है, क्योंकि नया मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था,
तो और ठंड का समय भी है, तो विदाउट एसी ही मैं ये बता रहा हूँ 300 to 350। और इससे ज़्यादा उम्मीद करने से क्या है, रिस्क बढ़ जाएगा, तो इसलिए मैं इससे मतलब ज़्यादा बोलता भी नहीं हूँ। ठीक है, सही बात बोल रहा हूँ। हाँ, फिर भी अगर 350 दे देती है ना, तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है टाटा के लिए, क्योंकि इस प्राइस रेंज में 350 किलोमीटर चलना बहुत, मतलब मेरे हिसाब से तो काफ़ी सही है। हाँ बिल्कुल, और इसमें भी अगर आप ड्राइविंग मतलब 80 के अराउंड करेंगे, स्पीड 80 के अराउंड मेंटेन रखेंगे, सही तो बात ये है। अभी मेरे को भी बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करना बचा है कि क्रूज कंट्रोल के साथ ज़्यादा रेंज आता है कि मतलब मैनुअली हम चलाते हैं वो ज़्यादा अच्छा रेंज दे पाता है, एसी को इकोनॉमी में रखने में ज़्यादा, तो ये सब और भी थोड़ा समझ चाहिए रहेगा उसके लिए। हाँ, वो तो आप इनके चैनल में जाके देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन पे भी दे दूंगा इनका चैनल का नाम, आप वहाँ पे जाके पूरी ईवी से भर भर के कंटेंट उसमें पड़ा ही हुआ है, आप वहाँ जाके आराम से देख सकते हैं। अच्छा, तो मैं ये पूछता हूँ, चलो ये तो हो गई इसकी पॉजिटिव्स की एक तरफ से बात करें तो, ठीक है, अब थोड़ा ना नेगेटिव की बात कर लेते हैं, मतलब इसमें कौन से मेजर आपको नेगेटिव लगते हैं अपने हिसाब से? पहला तो मेजर यही है कि आप एकदम से बिना प्लान किए ईवी में कहीं 700-800 किलोमीटर जा ही नहीं सकते। हाँ, ये थोड़ा तो सा है। प्लानिंग चाहिए, और एक हड़बड़ी में जो आप चीज़ करते हैं, जैसे यहाँ से वहाँ चले गए वहाँ से वहाँ चले गए, तो आप वो हड़बड़ी में नहीं जा सकते। लीजर यानी कि अपने शौक के लिए घूमने के लिए जा सकते हैं जैसे मैंने किया, लेकिन आप मजबूरी में आप जा रहे हैं, कभी चार्जर नहीं मिला मिला, तो ये चीज़ के लिए एक फ्री माइंड के साथ नहीं जा सकते, मतलब वही है, प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा थोड़ा सा, और थोड़ा सा आपको चार्ज होते समय जो टाइम लगता है ये सब थोड़ा सा वो पैसे बचाने, तो थोड़ा देखिए दो चीज़ मेरे दोस्त ने ये बताया, या तो आप पैसा बचा सकते हो या तो टाइम, दोनों एक साथ नहीं बचा सकते, तो मैं पैसे बचा रहा हूँ, टाइम यूटिलाइज मेरा हो जाता है, और वो टाइम जो होता है उसमें खा पी लेते हैं या घूम लेते हैं आसपास। हाँ, वो अगर यूटिलाइज कर लिए टाइम तो फिर तो क्या ही है। हाँ, और उसमें सुस्ताने का मौका भी मिलता है, इससे आपका सेफ्टी बढ़ता है, 5-star रेटिंग के साथ आपकी सेफ्टी भी बढ़ जाती है। ये तो बात सही कही है। 300 किलोमीटर में ब्रेक ले रहे हो। हाँ। तो ब्रेक लेने से भाई आपकी सेफ्टी 100 गुना बढ़ जाती है। तो ये तो भाई बहुत सही बात कही है। चलो ये तो हो गया मतलब खुद के हिसाब से, पर गाड़ी में कोई ऐसे नेगेटिव आपको अभी तक लगा है? गाड़ी देखिए, जो पुराने नेक्सॉन में इशू था वो ये है कि इसका ए पिलर बहुत ही चौड़ा है। हाँ, तो ये ब्लाइंड स्पॉट बनता है। इसका ORVM पूरी तरीके से कवर नहीं करता आउटसाइड का। देखिए ये चीज़ की बात हो रही है, जैसे कि अपन ऊपर बैठेंगे ना यहाँ पे, तो यहाँ पे ना बहुत बड़ा ऐसे ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट होता है। अगर मैं डोर बंद करके आपको दिखाऊं तो ये देखो, ये जो पार्ट ये देखो पूरे गायब हो चुके हैं, वो दिख भी नहीं रहे। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि काफ़ी बड़ा सा ऐसे ब्लाइंड स्पॉट होता है, ये तो बड़ी बहुत बेकार चीज़ है। मतलब ये हैरियर में भी पहले हुआ था, अभी इसमें भी अभी भी है ये चीज़। मैं भी सेफ्टी के लिए किया हो, बट थोड़ा बहुत कुछ एंगल चेंज कर सकते हैं। फिर ORVM इसका ज़्यादा इधर लंबा नहीं है ना, तो ये वाला पोर्शन ब्लाइंड मतलब स्पॉट जो पीछे का, उसमें गाड़ियाँ छुप जाती है। ठीक है, तो ये दिक्कत है। और इसके अलावा कोई और नेगेटिव? इसके अलावा फिट एंड फिनिश की थोड़ी बहुत दिक्कत है, वो तो टाटा का टिपिकल रहता ही है। लेकिन ये गाड़ी मैंने पैसे बचाने के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाने लिए, लुक और दिखाने के लिए नहीं लिया, तो मेरे को वो चीज़ बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, और ये एक्सपेक्टेड था टाटा। हाँ, से ये बात तो सही बोल रहे हो। मतलब अब आपके हिसाब सबका रिक्वायरमेंट अलग होता है, अब इनका रिक्वायरमेंट है कि बस मतलब ऐसे पैसा बचाना, इधर उधर घूमना, तो उस हिसाब से फुलफिल हो रहा है। नहीं, मेरा रिक्वायरमेंट भी बता देता आपको, मेरा रिक्वायरमेंट था इस गाड़ी से लेने से पहले, मैंने पोलो से 2000 किलोमीटर का ट्रिप किया था, तो उस समय मेरा रिक्वायरमेंट बदल गया। मेरे को चाहिए था ऑटोमेटिक गाड़ी। हाँ, उसके बाद डिजिटल डिस्प्ले चाहिए था, मतलब डिजिटल कॉकपिट बोलते हैं। अब स्विफ्ट से ऐसे तो नहीं आया था। हाँ, क्योंकि वहाँ पे आपको ना जब कहीं नई जगह जाते हो डायरेक्शन वगैरह दिखते रहता है, राइट मुड़ना है लेफ्ट मुड़ना है ये सब वहाँ पे दिखाता है। उसके बाद म्यूजिक सिस्टम अच्छा होना चाहिए, तो जो कि इसमें है। वेंटिलेटेड सीट चाहिए था, क्योंकि ना शर्ट भीग जाता है, ये बात तो सही बोल रहा हूँ, पसीना ज़्यादा आता है मेरे को, तो ये लॉन्ग ट्रिप के लिए मतलब ये सारी चीज़ें मस्ट होती है। और क्रूज कंट्रोल, ताकि हम आराम से जा पाए। देखो ये यहाँ पे वेंटिलेशन का फीचर यहाँ पे दिया गया है यहाँ पे, ठीक है, और ये क्रूज कंट्रोल है। तो ये सारे छोटे मोटे फीचर्स हैं अंदर, जो इसको सही में अच्छा पैकेज बनाते हैं ओवरऑल, क्योंकि अभी XUV 400 भी आई है, वो अभी हमने एक्सपीरियंस नहीं करा है, पर उसमें ये सब फीचर नहीं है, तो मेरे को तो पता नहीं, ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी, ज़्यादा बढ़िया पैकेज मेरे को नेक्सॉन ही लग रही है अभी भी। इसके अलावा कुछ और चीज़ें जो चाहिए थी मेरे को, उसमें था, भूल गया।
तब तक मैं गाड़ी आपको दिखा देता हूँ एक बार ऐसे, ठीक है। देखो यहाँ पे रियर में भी सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, रियर डिफॉगर, अपना वाइपर, वॉशर, कैमरा, सब कुछ यहाँ पे दिया गया है। बूट स्पेस भी काफ़ी सही आपको मिलता है, डुअल टोन में पूरी ओवरऑल गाड़ी है इस हिसाब से। बस यहाँ ये देखो ना, यहाँ पे थोड़ी वायरिंग वायरिंग ऐसे। अच्छा आपसे ये पूछना चाहता हूँ मैं, जैसे ये वायरिंग वायरिंग यहाँ पे दिख रही है गाड़ी, देखो यहाँ पे पूरा बाहर लटक रहा है, इधर नीचे भी दिखाऊं तो नीचे भी लटक रहे वायरिंग, तो उसमें थोड़ा आपको नहीं लगता है कि ये थोड़ा मैनेज हो सकता था अच्छे से? मैंने भी इसको ना खरीदने के बाद ही देखा कि ये क्या है, क्योंकि पहले आदमी उस तरफ से देखता है कई बार या ध्यान नहीं जाता है। हाँ हाँ, और इसमें कुछ ज्यादा ही लटका हुआ है, क्योंकि यहाँ पे भी देख सकते हो, ये देखो नीचे वायरिंग अलग से दिख रही है लटकी हुई। टाटा वाले से हमने बोला तो बोले ऐसा ही रहता है और कुछ नहीं, वो जिप टाई बांधना है उसमें, कुछ ऐसी बड़ी चीज नहीं है। हाँ, वो तो है, बाकी ऐसे कोई दिक्कत नहीं आई उससे कि कहीं फंस जाए, बट हाँ थोड़ा सा लगता है कि थोड़ा अच्छे से क्वालिटी में थोड़ा वो वहाँ पे लगता है कि कुछ तो कमी कर दिया है, वायरिंग को छुपा। हाँ, सही बात है। बाकी सस्पेंशन की बात करूँ वो तो बहुत सही बढ़िया लगती है मेरे को। मैं पर्सनली बताऊँ तो मैंने चलाया है, क्रेटा ओनर हूँ मैं, तो उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ सस्पेंशन बहुत प्यारे हैं इसके। ऐसे रोड जैसे उबड़ खाबड़ दिख रही है, पूरा ग्राउंड दिख रहा है ना, कहीं भी चला दो कोई दिक्कत नहीं होने वाली, गाड़ी को मक्खन तरीके से निकल जाती है, एकदम ग्लाइड होते हुए कोई आवाज़ भी नहीं करती है। और जैसे लाइटिंग वाइटिंग का क्या हिसाब है, रात को अगर आप चलाएं तो लाइटिंग कैसी है इसकी? लाइटिंग इसका लेवल अभी फिलहाल जो सेट है ना थोड़ा सा नीचे लग रहा है, मतलब ऊपर हो जाएगा ठीक। और मेरे को पर्सनली येलो लाइट पसंद है, क्योंकि मैं ट्रेडिशनली येलो लाइट ही चला रहा था। हाँ, सही तो बात है। येलो लाइट मेरे को, व्हाइट में दिखता ही नहीं बारिश में यार, चाहे कितनो भी मतलब तेज लाइट रहे एलईडी में। ये बात तो है, फॉग में भी दिक्कत करता है वो चीज तो ये। और मेरे को माइग्रेन रहने देते छोड़ो, वो रहने देते, वो अलग दिक्कत है, उसको छोड़ देते हैं अभी। बाकी ये तो है भाई गाड़ी का ओवरऑल। एक छोटा सा वो बता दो फटफट से कि इसका सर्विस एक्सपीरियंस कैसा है, मतलब अभी तक कुछ सर्विस हुआ है इसका? टाटा का सर्विस थोड़ा सा बदनाम था शुरू से। हाँ हाँ। और क्योंकि इसमें सर्विस की ज्यादा जरूरत ही नहीं पड़ती, तो वो रिस्क लिया जा सकता है ईवी की, अगर आपका सर्विस खराब भी है किसी कंपनी का तो ले सकते हो, क्योंकि नाम मात्र का सर्विस होता है। कितने कितने इंटरवल में होता है इसका सर्विस? वो याद नहीं है नहीं याद रुको, याद है बता कठिन सवाल तो इसका सर्विस जो है वो पहले 1000 के अराउंड होता है, फिर 7500 फिर 15000। ठीक है, तो 7500 जो फर्स्ट सर्विस इसका हुआ होगा, उसमें क्या होता है, टिपिकल चेंजेस क्या क्या होते हैं? मतलब इसमें ना अभी तक के 2000 रुपए खर्च हुआ है, जिसमें 15 तीनों सर्विस मिला के। हाँ, तीनों सर्विस मिला के 2000 खर्च हुआ है। ठीक है, जो सेकंड सर्विस था 7500, उसमें जो ट्रांसमिशन ऑयल है इसमें 1700 को कुछ आता है। ठीक है, वो हमने चेंज कराया था वो है। और उसके बाद 150 रुपए लगा 1500 वाली सर्विस में, उसमें जो वेट लगता है ना बैलेंसिंग का, बस वही खर्च आया, और कोई भी मतलब फ्री सर्विस थी। तो फ्री सर्विस में यही कॉस्ट आया अभी 16000 किलोमीटर तक का, 2000 रुपए। फिर तो भाई काफ़ी वैल्यू फॉर मनी गाड़ी है, मतलब कोई खर्चा ही नहीं है देखा जाए एक हिसाब से, क्योंकि सर्विस कॉस्ट भी नहीं है, पेट्रोल वेट्रोल तो लग ही नहीं रहा आपको, फ्यूल व्यूल का कॉस्ट तो उस हिसाब से भी आपको बहुत सस्ता पड़ रहा है, तो मतलब आपको पैसे पूरे वसूल लग रहे हैं गाड़ी लेके। पैसे वसूल लग रहे हैं शुरू में, देखो नए नए में ईवी का आदत नहीं होती ना, तो एक दो दिन लगता है 20 लाख दे के फंस गया। हाँ। लेकिन जिस दिन आप अपने घर पे चार्जिंग पॉइंट लगवा लेंगे, या आपके घर के आसपास फास्ट चार्जर रहेगा, घर पे लगवाना जरूरी है, उस दिन के बाद आपको कभी अखरेगा नहीं कि आपने ईवी क्यों लिया। क्योंकि मैं शुरू में किराए के घर पे रहता था, वहाँ थोड़ी दिक्कत थी, तो एक हफ्ता मैंने बिना चार्जर के चलाया, तब मेरे को लगता था भाई गलती हो गई, बट उसके बाद एक बार सॉकेट लग गया ना, ओवरनाइट चार्ज करो और चलाओ बस बिंदास, बस मतलब पूरा पैसा वसूल दो। मतलब अब तक तो वसूल लिए होगे, मतलब 16000 चला लियो, तो कभी ऐसा थोड़ा सा भी रिग्रेट लगा कि यार नहीं कुछ और ले सकता था या कोई दूसरा ऑप्शन देख सकता था मैं? मेरे को ऑटोमेटिक चाहिए थे जैसे मैंने पहले बताया। हाँ। आप मेरे को एक गाड़ी बता दो जो ऑटोमेटिक भी हो और स्मूथ ऑटोमेटिक हो और पावरफुल भी हो और 20 लाख के अभी अंदर आए। पोलो कोई गाड़ी है? पोलो बंद अभी नहीं आती, सही बात है, पोलो बंद हो चुकी है। और पोलो में डीएसजी गियरबॉक्स हटा दिया गया, टॉर्क कन्वर्टर लाया गया। हाँ। तो वो भी गियर लाइन से हट जाता है, मतलब पोलो ही एक इंस्पिरेशन थी। हाँ। ऐसी गाड़ी लेने के लिए और हाँ। वो फुलफिल ये कर दिया आपका। पोलो अगर आ जाती डीएसजी के साथ तो मैं शायद सोचता एक बार, और अगर ईवी ले आए फॉक्सवैगन तो और अच्छी बात है। फॉक्सवैगन वाले फॉक्सवैगन ही लेते, ये बात तो फिर से प्रूव होता है। पर जैसे कि टाटा की ये गाड़ी है तो ऐसे तो कोई ऐसे कंप्यूटर है नहीं, और उतना मतलब जैसे आपको कभी ये लगा कि जैसे महिंद्रा XUV 400 आने वाली तो मैं उसको ले सकता हूँ? अच्छा, उसकी भी बात बता देता हूँ मैं, ये बहुत लंबा हो जाएगा यार। कोई नहीं, चलो 2 मिनट एक्स्ट्रा ले लेंगे। जो गाड़ी आपके मार्केट में 3 साल से 4 साल से है
और 50,000 पीस बिक चुकी है। हाँ। और सारे चार्जर जिस कंपनी के होते हैं, तो मैं क्यों ना वो गाड़ी लूँ जो ट्रस्टेड है, क्योंकि ये नई चीज है, फंसने वसने का तो प्रॉब्लम आ ही सकता है, बात है। सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम आ ही सकता है, सॉफ्टवेयर क्योंकि ओला में हमने भुगता था कि थोड़ा सा कि नया सॉफ्टवेयर था तो ग्लीचेज आते थे। इसका सॉफ्टवेयर चला हुआ है और इतने दिन से कोई मेजर इसमें इशू आने का अभी तक सुना नहीं है। तो अगर 400 अवेलेबल होता उस समय तो भी मैं नहीं लेता, क्योंकि वो नई गाड़ी थी, दूसरा महिंद्रा के साथ मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है। ओके, हाँ, उसके बाद एक्सयूवी 700 वाला आप कोना लो, महिंद्रा लो, हुंडई लो, कुछ भी लो, चार्ज आपको टाटा पावर पे करना है तो आप क्यों ना टाटा का ही लो, क्योंकि मेन इसके लिए चार्जिंग का ही फैसिलिटी है। आप लुक वगैरह सेकेंडरी है, सही बात है, परफॉर्मेंस के लिए ले रहे हो, पैसे बचाने के लिए ले रहे हो, तो लुक पे मत जाओ, मैं लुक से ऊपर उठ चुका हूँ। तो ये वैसे बात है। इन्होंने एक चीज सही बोली कि जो 4 साल का जो इनका एक्सपीरियंस है, जो इन्होंने अपडेट करा है गाड़ियों को धीरे धीरे साल दर साल, वो उसको पॉलिश प्रोडक्ट बनाया है, तो उस हिसाब से ना ये एक्सयूवी 700 से ज्यादा मेरे को अभी अच्छी लग रही है, उस हिसाब से मैं बताऊं, क्योंकि उसको भी अभी थोड़े मोड़े ऐसे करेगा वो चेंजेस और लुक्स में करेगा या फिर जो भी अपडेट लाएगा, उसका उतना पॉलिश प्रोडक्ट नहीं है क्योंकि उसकी फर्स्ट ईवी है, पर टाटा की तो भाई 4 साल से आ रही है, तो ये काफी पॉलिश प्रोडक्ट लगता है मेरे को। और इसको लेने से पहले मैंने नेक्सॉन को जूम कार से लेके मनाली वगैरह गया था, धर्मशाला वगैरह, तो उससे भी एक एक्सपीरियंस हुआ कि इसके शॉकअप बहुत जबरदस्त है, और इसके तो खास तौर पे चौड़े टायर है तो और अच्छे शॉकअप है। मैंने जो लेके गया था पेट्रोल बेस मॉडल, इसमें चारों अपना डिस्क ब्रेक भी आते हैं, चारों डिस्क ब्रेक है, इसका ब्रेकिंग जो है वो कोई भी गाड़ी इसके आसपास नहीं है ब्रेकिंग के मामले में, क्योंकि इसमें रीजन जो है एड ऑन करता है, रीजन ब्रेकिंग जो है। उसके अलावा मनाली वगैरह गए थे तो अच्छा एक्सपीरियंस था, और म्यूजिक सिस्टम भी अच्छा था बेस मॉडल होते हुए भी। हाँ। तो नेक्सॉन एक्सपीरियंस करके ही लिया है, वहाँ पे पहाड़ों में थोड़ी दिक्कत हुई, अपने को तो सीधे रोड में चलाना है तो ए पिलर कभी कभी ही प्रॉब्लम करता है। तो ये था भाई एक छोटा सा रिव्यू मैं शेयर करने वाला था, अगर कोई भी और छोटी मोटी दिक्कत हुई तो इनके चैनल में भी जाके आप कमेंट कर सकते हैं, मेरे चैनल में भी कमेंट कर सकते हैं, मैं कभी भी आपको रिप्लाई करा दूंगा, एक पर्टिकुलर वीडियो भी बना देंगे कोई अगर कोई आपको दिक्कत लगती है तो ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल में आने के लिए, रिव्यू शेयर करने के लिए, रिव्यू लेने के लिए थैंक यू, पहली बार रिव्यू दे रहा हूँ यार। चलो बाय बाय। तो बस ये था रिव्यू, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, बाय बाय।